ये जी देखें, ये भी औरतें जो पहनती हैं जलबाब की क्या बोलते हैं, ये बड़े खूबसूरत खूबसूरत लगे हुए स्कार्फ हैं, ये पसंद किए जा रहे हैं स्कार्फ भी। काफ़ी जो है ना, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है ना तुर्की और मराकेश रहते हैं हॉलैंड के अंदर, तो वो इस तरह के जो कपड़े हैं वो पहनते हैं। पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है? या गुड, या ये मैदा के शूज़ मैदा ने लिए। ये देखें जी, ये सारी ये चीज़ खमीर, और ये देखें बूढ़े लोग कैसे आते हैं अपनी अपनी छोटी छोटी गाड़ियाँ सी बनाई हुई हैं, और ये सारा चीज़ जी इसको बोलते हैं खमीर। ये जी इन्होंने अभी लिए हैं चिप्स, और इसको बोलते हैं जी क्या बोलते हैं इसको, कसम बोलते हैं। ये इसकी चिप्स आ गई, और मैदा की भी चिप्स, साथ में ड्रिंक्स। वाओ, वेल डन। लो जी बच्चों ने अभी खाना खा लिया है, ठीक है जी, और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने के लिए बस का। उसके बाद बस का टिकट लेने के बाद हम बैठेंगे बस में और जाएंगे सेंट्रल स्टेशन, एम्स्टर्डम के सेंट्रल स्टेशन में। यही बड़ी प्यारी छोटी सी गाड़ी, ये भी देख लें, तो फिर सेंट्रल स्टेशन जाएंगे, वहाँ से आपको दोबारा दिखाएंगे जी, ठीक है जी। ओके जी, लो जी अभी हमने ये ले लिए कार्ड, और इस कार्ड के ये वन डे कार्ड है, अब हम इसके लिए पूरा 24 घंटे इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ से पकड़ेंगे बस, और बस पकड़ के जाएंगे सेंट्रल स्टेशन, ठीक है जी। तो बाकी लोग जो है आपको आगे चल के दिखाते हैं। ओके जी, ये जी बस स्टॉप पर लगा हुआ है कि कौन सी बस कितने मिनट के बाद आएगी और कहाँ जाएगी, ये बस स्टॉप है। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं बस का, आई थिंक यही वाली बस है जो आ रही है, जो कि हमें सेंट्रल स्टेशन लेके जाएगी। ये देखें छोटे छोटे बस स्टॉप बने हुए हैं, यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर रुक सकते हैं, छोटे छोटे बस स्टॉप बने बड़े प्यारे। यह बस के अंदर बैठे जी, अब जा रहे हैं हम सेंट्रल स्टेशन। ये बस है, ये बस यहाँ की, ठीक है, गुड है, यहाँ से मच बेटर है ये वाली बस। शांति नाइस है, अब बताओ, अब तो क्या कह रहे हो? ये लगता है शांति तो बस की पता है, फिर वो फाइट होते हैं स्टार्ट फिल्म में, ऐसे लगता है बस। हाँ, ये देखें जी बाहर घर बड़े प्यारे प्यारे बने हुए हैं, बड़ी सी बताओ सीनरियाँ हैं बाहर की, ठीक है जी। चलो ये जी अभी हम आ गए इनका सेंट्रल स्टेशन में, यहाँ से भी बाहर जाएंगे, और ये बड़ी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये पीछे बोट्स चल रही हैं, ये बोट जो हैं ये इधर से इस पॉइंट से यहाँ से उधर लेके जाती हैं, और उधर से वापस लेके आती हैं, ये फ्री में। तो मैंने कहा चलो बच्चों को ज़रा पहले फ्री में एक छोटी सी ट्रिप करा देते हैं बोट की, इधर से उधर लेके जाएंगे और उधर से फिर इधर लेके आएंगे। और ये आप देखें बहुत बड़ा स्टेशन बना दिया, पहले तो यहाँ पर इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा इन्होंने बना दिया है स्टेशन, ठीक है जी। ओके जी, ये शिप में जा रहे हैं जी, अब शिप में बैठेंगे, चलो। ये एक उधर से आ रही है जी ये शिप, ये उधर से इधर आएगी, तो ये जिसमें हम बैठे हैं ये उस साइड में लेके जाएगी। तकरीबन मेरे ख्याल से 4-5 मिनट की होती है ये इस तरह ये ट्रिप, इधर से उधर जाएगी। ये जी हम इधर से जो है अभी शुरू हो गई है, हमने उधर जाना है, वो पीछे खड़ी नज़र आ रही होगी आपको शिप ये वाली, ठीक है, हम वहाँ जाएंगे और फिर उसमें बैठकर हम वापस जिधर से चढ़े हैं उधर वापस आ जाएंगे। तो ये जितने भी लोग होते हैं, ये छोटी सी जो आपको नज़र आ रही होगी ये जी जो नहर है, लोग इधर वाले उधर जाते हैं उधर वाले इधर आते हैं, उनके उनके लिए ये फ्री है, रोज़ाना मतलब हज़ारों के हिसाब से लोग आते जाते हैं, तो उनके लिए फ्री सर्विस रखी हुई है, ज़बरदस्ती। अब यहाँ पर देखें जी लोगों के पास जो साइकिलें हैं वो ज़रा देखें, ये देखें ये बाहर देखें खड़ी हुई। एक और यहाँ पर पीछे सेंट्रल स्टेशन में एक जगह है, वहाँ पर तकरीबन कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार साइकिल खड़ी होगी, तो ये लोग जो साइकिलों पर हैं। ये जी मायदा भी आ रही है, ये देखें मायदा आ रही है, ये देखें जी अभी आज आपको दिखाते हैं, ये सारी बिल्डिंग है ना, ये सेंट्रल स्टेशन की बिल्डिंग है,
कि इसके अंदर सारी ट्रेन के स्टार्स, बस स्टॉप्स और पता नहीं सारा कुछ जो भी है इसके अंदर ही है सारा कुछ। अभी हम जाएंगे इधर से, फिर आपको अगर मौका मिलेगा तो दिखाएंगे आपको। और अभी जिस तरह के आपको दिखाते हैं, ये वाली जो है ना, ये वाली शिप है, ये वापस आएगी। अब ये वापस आएगी इधर, और अब जो हमारी शिप है जिसमें हम बैठे हैं, अभी वापस उधर ही जाएगी जैसे हम आए थे। फिर हम आगे जाके सेंट्रल स्टेशन में जाएंगे और जो कहते हैं उधर जो चीज़ें एंजॉय करेंगे आज। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है जी, हॉलैंड में ये जो बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, लोग बड़े जो हैं एंजॉय करते हैं इन चीज़ों का। जब गर्मियाँ होती हैं फिर तो और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर लोग जो है जाते हैं घूमने फिरने के लिए उधर। ये इधर सारा जो पीछे है ना, ये वाला, ये सारा इसके पीछे जो है सिटी है और सारा टूरिस्ट एरिया हो ये वो। और जिधर अभी हम खड़े हैं ये वाला एरिया, इधर सारे जो लोग हैं वो रहायशी हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, इधर से ये शिप पकड़ते हैं, उधर जाते हैं और जाकर जो है वो अपना एंजॉय करते हैं। ये ले जी, अब हम सेंट्रल स्टेशन जो है इनकी बिल्डिंग है वो कौन है, ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है जी, ये वाला एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन, ठीक है जी। तो बड़ी प्यारी बिल्डिंग है, वो भी आपको दिखाते हैं। वो अजान दूर खड़ा है अपनी मामा के साथ, ठीक है। अयान भाई किधर हैं? वो अयान भाई है, ये अयान भाई आ गए। खैर अभी आज मौसम थोड़ा ठंडा है लेकिन फिर भी बहुत लोग आए हुए हैं। तो जो है वो अभी भी हम भी जा रहे हैं उधर ही, देखते हैं शॉपिंग वगैरह करते हैं थोड़ी सी, ठीक है जी। तो चलते हैं, ये देखें यहाँ पर मज़े की बात है, यहाँ पर हर तरह की ट्रेन, बस, मेट्रो और बाकी जो होती हैं जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती है वो यहाँ तक आती है। और जो है ना बड़ा प्यारा एक्सेस है यहाँ तक आने के लिए। ये भी आपको एक और बिल्डिंग दिखाते हैं, होटल है विक्टोरिया होटल, ये आपको दिखाते हैं अभी। ये देखें जी, ये है विक्टोरिया होटल, ये आप देख रहे हैं, ये हम आज एम्स्टर्डम में घूमने, काफ़ी दिनों के बाद मैं भी आया हूँ एम्स्टर्डम, तो सोचा आपको भी दिखाएं। अभी आगे चल के आपको क्वीन का जो महल है वो भी दिखाएंगे, तो उधर पीछे है उस साइड पे, तो थोड़ी देर के बाद आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। अभी जो है वो घर वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ शॉपिंग करनी है ये, तो अभी हम ज़रा अंदर जाके देखते हैं क्या शॉपिंग होती है, ठीक है जी। ये हॉलैंड का जो है वो बड़ा फेमस होते हैं ये शूज़, ये जान ने पहने हुए हैं, मज़ा आप पहनो। ये इस स्टेप पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे या चलो आ जाओ। ये देखें जी, ये अगर आपको पता चले ना क्या है, स्पेस केक, बाहर आ जाओ। ये जो हॉलैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, सॉरी एम्स्टर्डम के अंदर जो है ये जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता है, ये ड्रग्स होती है जो कि एम्स्टर्डम में बिल्कुल जो है मतलब इजाज़त है इस्तेमाल करने की। और सबसे बुरी बात ये है कि ये जो है ना ड्रग्स, ये मतलब है कि इनके जो वो केक्स वगैरह मिलते हैं ये वो, तो जिन लोगों को नहीं पता होता वो जो है वो खाएं तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि एक दफ़ा गलती से मैंने भी खा लिया था और मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पर जो भी एम्स्टर्डम में लोग आते हैं, ये स्पेस केक या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनका ख़ास ख्याल रखें लेने से पहले, क्योंकि यहाँ पर ये आपको मतलब आइसक्रीम्स मिलती हैं उनके अंदर होता है और काफ़ी चीज़ें केक होते हैं उनके अंदर मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो लोग भी एम्स्टर्डम में आए इन चीज़ों का ख्याल रखें। क्या लिए? ये लो, ये देखिए चोरस, ये देखें क्या है, क्या पी रही हो? बबल टी। वाह, ये सारी ज्वेलरी देखो, एक फ्लावर है मिडिल में राउंड शेप, क्या देख रहे हो? ये
कासल है किधर? वहाँ ये वाला, ये वाला, ये जी आती होती है यहाँ पर, एक मिनट, ये जी बिल्डिंग जो है ना, ये वाली बिल्डिंग जी, ये जो ट्वीन की, ट्वीन का घर है ये, यहाँ पर जब उसी सालगिरह हुआ करती थी वहाँ पर, तो अभी यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत रश होती है, बहुत रश होती है। और आपको वो दिखाता हूँ आपके वो पीछे अकब में मेरे, ये वाली जो बिल्डिंग है ये सामने बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग, ये होटल है। और यहाँ पर तो एक दफ़ा बॉलीवुड के मेरे सामने स्टार जितने भी थे ना वो यहाँ पर आकर रुके थे, ये बड़ी फेमस जगह है। तो ये देखिए जी, बड़े कबूतर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग आते हैं उनको दाने खरीद के उनको देते हैं। तो ये जी इस जगह बोलते हैं जी डैम, और ये सामने इधर एक है मैडम साउथ जो है, ये बताए ठीक है मैडम साउथ है। और आपको एक दफ़ा फिर दिखा देते हैं जी, ये क्वीन की ये जो बिल्डिंग है ये वाली, ठीक है जी। और ये है एम्स्टरडैम जी बेटा, ओ देखो मायदा भाग के जा रही है, कबूतर उड़ेंगे। और ये पुतले से बने होते हैं, ये खड़े होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, कुछ लोग आते हैं कोई म्यूज़िक बजा रहा होता है, कोई मतलब है कि कोई अपने सर्कस कर रहा होता है जगह जगह पे ना, तो यहाँ पर काफ़ी शोर मेला लगा रहता है। ये यहाँ, ये जो टेरेस बना हुआ है ना यहाँ पर आकर खड़ी होती होती है कभी कभी ये क्वीन, ठीक है जी। ये देखो ऊपर, ठीक है जी। तन क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो अंदर? ओ ये देखो जी शॉप के अंदर, जी देखो क्या क्या है, ये शॉप है सारी अंदर, ये देख, ये देखिए, ये देखो अंदर डक, इतनी बड़ी बड़ी, कितनी बड़ी डक्स, ओ कितनी ज़्यादा डक्स हैं जी। फैजान, फैजान क्या देख रहे हो? और डक्स। बैठे हो? ट्रैम पे बैठे। ये ट्रैम है जी, ये बस नहीं है, ये ट्रैम है, है? ट्रेन ही होती है लेकिन ये सिटी के अंदर चलती है। और ये जो है हम यहाँ से जाएंगे नीचे सेंट्रल स्टेशन यानी कि मेट्रो अंडरग्राउंड में बैठेंगे, और फिर हम जाएंगे जी मेरे भाई के घर, तो फिर मिलते हैं बाद में। उतर के हमने यहाँ से नीचे जाना है, और फिर हमने अंडरग्राउंड में बैठे हैं, अभी हम बिल्कुल अंडरग्राउंड में हमने जाना है। ये देखें, एक मिनट, ये हम है अभी, ये सेंट्रल स्टेशन है, और ये सारे स्टाफ हमने तय करके जाना है। तो अभी फर्स्ट क्लास, या 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 ओके जी, ये हम भी मेट्रो जो कि अंडरग्राउंड है उसमें जा रहे हैं। मायदा रजान किधर जा रही हो? हम जा रहे हैं शिराज चाचू के घर। यस हम जा रहे हैं जी शिराज चाचू के घर, ठीक है। पहली मस्जिद थी जिसके मीनार बनाए गए थे, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अगर मुझे अभी टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह अंदर भी जाके बनाऊंगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है।